तुम चलोगी? मैं नहीं जा रही। अब रूट क्यों तो मना नहीं सकते हो क्या? दिन में अगर एक बार रूठो तो मना भी लूं, 2.5 लाख बार कौन मनाता है? रूठी रहो। एक काम करो, यहीं पे मार पिटाई शुरू कर दो, एक दूसरे की गर्दन पकड़ के ना पटकियां देनी शुरू कर दो रोड पे ही, और बीच सड़क पे ऐसे बैठे हो, इससे अच्छा तो बिस्तर लगा के सो जाओ। दिन में 2.5 लाख बार कौन मनाता है? भैया जी, तुम तो कहते स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो रहे हो यार। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, अगर हम उसको तुम्हारे 2.5 लाख से डिवाइड करें तो आएगा 2.89351, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम। मतलब तुम एक सेकंड में 3 बार दीदी को मना रहे हो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अद्भुत धीरू बांचे। हे गाइस, इट्स मी धीरू बांचे। क्या तो पकड़ा है मैंने, स्वैग है बाबा, स्वैग। तो आज हम बात करने वाले प्यार, मोहब्बत, इश्क के बारे में। तो जैसे कि तुम लोग को पता अभी करवा चौथ का व्रत निकला, और जिन लोग को नहीं पता करवा चौथ का व्रत क्यों रखता है वो मैं बताता हूँ। वाइफ अपनी पति की लंबी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अमर हो गया मानेगा क्या? और दोनों से करवा चौथ का व्रत रखवाया जा रहा है। भैया इसका पूरा प्लान है, वो MDH वाले चाचा नहीं है, उन्हें एज में टक्कर दे देगा। नानी, अरे यार ये लड़की निब्बी जैसी नहीं लग रही, जैसे 18-20 की हो। ये क्या कहते हैं, ये अंकल भैया 30-35 से कम नहीं लग रहा, और ये 18-20 अमावस का चांद। यू गोरे काले में भेद करने वाली लड़की? नहीं ऐसा नहीं कहते, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है और सरकारी नौकरी वाले भी। सुनो, आज तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। अभी आप सोच रहे होंगे, बेटे अगर खाने की जगह कसम खाओगे तो जल्दी भस्म हो जाओगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे एक आसिफ के चोदे, हमारी इस जादुई किताब के अंदर पन्ना नंबर 320 पैरा नंबर 2 पर लिख कर गए थे कि अगर आप शाम सुबह दोपहर तीनों टाइम अपनी महबूबा के नाम की कसमें खाएंगे तो आप जिंदगी भर बिना खाने के जी सकते हैं। वो बात अलग है कि वो ये लिखने के 10 दिन बाद चल बसे थे। वाला दिल दुखता है भाई ये सारी बकैती देख के। सुना यार, ऑनलाइन थोड़ा जल्दी आ जाया कर, 50% बैटरी तो तेरे DP देखने में खत्म हो जाती है। वाह, एकदम अद्भुत। ओ भैया बेरोजगार हो क्या? साला आशके वाशकी छोड़ो और कुछ काम धंधा करो, और ढंग का फोन खरीदो सबसे पहले। डीपी देखने देखने में 50% बैटरी डाउन हो जा रही है। नहीं है भैया, ये ट्रू लव 1 महीने ज्यादा टिकने ही नहीं वाला। देखो, if you really want to find true love or want to make some meaningful connection, then मैं आपको हैपन ऐप रिकमेंड करता हूं। तो सबसे पहले तुम्हें हैपन ऐप डाउनलोड करके उस पे अकाउंट बनाना होगा, फिर अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा बाय यूजिंग न्यू प्रोफाइल वेरिफिकेशन फीचर। वेरीफाई इसलिए जिससे कि तुम्हारा प्रोफाइल ऑथेंटिक हो, और जो भी तुम्हारा प्रोफाइल देखे उसको तुम पे ट्रस्ट हो, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्रशेस मिले। हीरू भाई, ज्यादा से ज्यादा क्रशेस मिले से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, हैपन ऐप पे तुम्हारे सिटी के आसपास के लोगों के तुम्हें प्रोफाइल शो होंगे, अगर तुम उनकी प्रोफाइल लाइक करते हो और वो भी तुम्हारी प्रोफाइल लाइक बैक करते हैं, देन इट्स अ क्रश। उसके बाद तुम टेक्स्ट में बात कर सकते हो, एंड इसी चीज को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो वीडियो कॉल पे बात करते हुए। तुम अपनी हॉबीज, अपना टैलेंट शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा कनेक्शन अच्छा बिल्ड होगा और तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे जब तुम रियल लाइफ मिलोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे से ले लेना भाई। यार इसको तो मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? भाई लोग, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जाएं, अब आप ही बताएं। वाह, आहा, अद्भुत, अद्भुत। ये वही उद्यमी बालक है जो साला एग्जाम में खुद तो गलत आंसर लिख के आता है, साइड वाले को और लिखवा देता है, लिख लिख सही है सही है सही है, मतलब खुद के घर में आग लगी है तो तुम्हारे में भी लगाएंगे। आई लव यू, ऐसे तो हर कोई प्रपोज करता है,
कुछ नया करके बताओ। नाली में घुस जाओ और जिंदा सुअर बन के निकल गया, तब प्रपोज कर दीदी को। ऐसे तो सब प्रपोज करते हैं, कुछ अलग करो। ताजमहल सिर पे उठा के लाके प्रपोज कर दे तुम्हें। लोग प्यार में देते होगे दिल, हम अपनी हड्डियाँ दे देंगे। तू कहे तो कल ही चल कर अपने बच्चों के लिए नई नई चड्डियाँ ले लेंगे। इसकी बेकारी साइड ले रहा था यार, ये तो अजीब ही जीव है साला। और साला ये हड्डियां दान करना क्या होता है? रक्त दान सुना है, किडनी दान सुना है, बुंड दान सुना है, हड्डियों का दान पहली बार सुना है भाई। एक मिनट, हम भी तुम्हें कुछ दान करना चाहते हैं। ये लो बेटा, रख लो, पहन के घुमा करो, पहन के सो भी जाया करो। मतलब साला चड्डी से हड्डी राइम करने के लिए कुछ भी बकेती पेल दूंगा है। थूक दो भैया इसके मुंह में अपनी बलगम वाली और चिपक के खड़े हो जाओ। तो देखो जिन जिन को अभी समझ नहीं आया क्या हुआ, इस लड़की को गर्मी लगी तो भैया जी आए और अपना मास्क हटाए और इसके मुंह पे हवा मार दी। ये अंकल भी तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं यार, जरा मेरे बगल में भी हवा मार दी, जरा आके गर्मी लग रही है। मेरा मन नहीं है भैया और कुछ देखने का। ये दिन देखने से बात मुझे क्यों नहीं आ जाती है? अरे यार क्या चल रहा है सब, साला स्कूल विस्कूल खोले यार, स्कूल विस्कूल जाएंगे बच्चे, पढ़ाई लिखाई करेंगे कुछ। अरे भयंकर, क्या क्या हो जाएगा स्कूल खोल के भी, ने करना तो यही सब है। बंद कर दो, मत खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो सालो, लेकिन नहीं बाद में करना है सब। अरे भयंकर और क्या ही बोले हम। भैया जी बस आज के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा मैं अपनी आंखों को दर्द नहीं देना चाहता, हो चुका है। हुडी डाल के मैं जादू लग रहा हूँ वैसे पूरा। धूप धूप नहीं चाहिए, इन्हें सतबुद्धि दे दो बालकों को तुम बस। तो गाइस ये था हमारा निब्बा निब्बी का पार्ट 2, जो कि तुम्हारी रिक्वेस्ट पे हमने बनाया था। अगर तुम्हें पार्ट 3 चाहिए तो भाई कमेंट कर देना और बना देंगे, ठीक है? वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। टाड़ा बाय, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमको और हैप्पी लैप भी डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।